ये लो साइन करो। ये लो मालूम सर। भाई ये निकाह जिस सूरत में भी हुआ है वो एक अलग बात है, लेकिन निकाह दो इंसानों के दरमियान एक ज़िंदगी भर का बंधन है। शरई तौर पे अब एक दूसरे के लिए आप दुनिया बीवी बन चुके हैं। अल्लाह आप लोगों को आबाद रखे। आए आपको बात सुन। बाहर चलो। अब इसकी जरूरत नहीं। मुझे माफ कर देना जवाब। आज जो कुछ भी हुआ खुदा रहा उसके लिए मुझे माफ कर देना। अगर तुम यकीन करो इसमें मेरा कोई फायदा कोई मकसद नहीं था, सिर्फ एक मजबूरी थी। ये मेरी चचा की बेटी है और मेरे अलावा इसका दुनिया में और कोई नहीं है। अगर मैं आज ये सब कुछ ना करता तो मेरी सौतेली माँ इसको एक बुढ़े आदमी की भेंट चढ़ा देती। मैं आज दुबई जा रहा हूँ, एक दोस्त ने वीजा लगवाया मेरा और मैं इसको यहाँ ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। मैं 2 माह से आपके बारे में मालूम हासिल कर रहा हूँ। आप अच्छे खानदान से हैं, पढ़े लिखे हैं और आपके घर वाले आपके लिए रिश्ता भी ढूंढ रहे थे, इसलिए इसकी ही तस्वीर भी भिजवाई थी, मगर कोई जवाब नहीं आया और मेरे पास इतना वक्त नहीं था, इसीलिए ये बहुत खूबसूरत बहुत मिलनसार है और आपकी तरह अंग्रेजी भी बोलती है। मैंने सुना है कि पढ़े लिखे लोग बहुत एहसास होते हैं, इसीलिए इसे आपको सौंप रहा हूं। आप यकीन करें इसको इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। ये सब कुछ मैंने खुद एक भाई होने की हैसियत से किया। ये तो ये भी नहीं जानती कि मैं आज दुबई जा रहा हूं। ये अब सिर्फ मेरी बहन नहीं है, आपकी बीवी भी है। मुझे पता है आपको मेरे सब किए पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, मगर आप मेरी बहन को पाकर बहुत खुश हो जाएंगे। मेरे पास आपके घर का नंबर है, मैं दुबई जाकर आप लोगों से बात करता रहूंगा। वैसे भी पढ़े लिखे लोग बहुत बड़े दिल वाले होते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मजबूरी समझ के मुझे माफ कर देंगे और मेरी बहन को बहुत खुश रखिएगा।
ये लो तुम्हारा निकाह नामा। मुझे माफ कर देना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मौलवी साहब को छोड़ दिया? मौलवी साहब को छोड़ तो दिया, लेकिन मुझे डर है कि वो किसी को लेके वापस ना पहुंच जाए। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम हो गया। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यार, तुम लोगों ने वाकई बहुत साथ दिया मेरा। नहीं यार, तू अपना बचपन का दोस्त है, तेरे लिए जान भी हाजिर है। अच्छा अब एयरपोर्ट छोड़ दो, फ्लाइट ना निकल जाए। ओके। खोल यार।
जहाँ की कौन है? वो ये मेरी बीवी है। तुम्हारे कदम इस घर में मुबारक हो बेटी। इस नालायक ने घर में दुल्हन लाकर जिंदगी में पहली बार अच्छा काम किया है। हमें इस पर फख्र है। भाभी देखने के अरमान दिल में ही रह गए थे। भाई तुम्हें दुल्हन बनाकर लाए, वो सारे अरमान पूरे हो गए। खुशामदेद दुल्हन रानी। मैं तो छत पर चांद देखकर अपने बेटे के लिए चांद से दुल्हन की तमन्ना कर रही थी। मुझे क्या पता था ये बदमाश पूरा चांद लेकर घर में आ जाएगा। खुदा तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। तुम बहू नहीं बेटी बनकर रहोगी हमारे घर में। क्या ख्याली पुलाव पका रही हैं? जरूरी नहीं कि बिन बुलाई दुल्हन को उसके घर वाले भी कबूल कर लें। असमा भाई, मैं तो हमेशा समझती थी कि तुम मुझे हकीकी भाइयों की तरह चाहते हो, फिर तुमने ये क्या किया? घर से दूर एक वीराने में लाकर मुझे एक अजनबी के हाथों सौंप दिया और खुद दुबई चल दिए। क्या बहनों को ब्याहने का यही तरीका होता है? मेरे पास तो अब इस हाथ को मजबूती से पकड़ने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा है। पता नहीं ये तुम्हारा फैसला है या मेरी तकदीर का, लेकिन मुझे अपने शौहर और उसके घर वालों को इतनी मोहब्बत देनी पड़ेगी कि वो मुझे दिल से कबूल कर लें।